वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं AWS की सबसे पहली सर्विस, और सबसे पहले हम लोग इसको थ्रेटिकली कवर करेंगे और देन हम लोग जो है वो इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम लोग तमाम सर्विसेज को सबसे पहले थ्रेटिकली जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली अप्रोच पे हम लोग चलेंगे, और थ्रू आउट द कोर्स जितनी भी सर्विसेज हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक की प्रैक्टिकल लैब परफॉर्म करेंगे। थ्योरेटिकली इसको स्टडी करना इसलिए जरूरी है बेसिकली क्योंकि अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करना चाह रहे हो और अगर आप इवन इंटरव्यू में भी जाते हैं कहीं पे भी जॉब करने, तो थ्योरेटिकली अगर आप लोगों ने चीजों को स्टडी नहीं किया होगा तो देन आपके लिए उस इंटरव्यू को क्रैक करना या एग्जाम को क्रैक करना या उसको पास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो थ्योरेटिकली भी इसको स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग हर एक सर्विस के अगेंस्ट प्रैक्टिकली लैब जो है प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहली हम लोग सर्विस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है IAM, यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट से रेलिवेंट या अकाउंट से रेलिवेंट या परमिशन से रेलिवेंट जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी हम लोग IAM के अंदर जो है वो यूज करेंगे और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि IAM के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो मौजूद है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि IAM है क्या। IAM बेसिकली क्या करता है कि ये यूजर्स को मैनेज करता है और किस यूजर को किस लेवल की या किस चीज की परमिशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिजाइन डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट। अब HR डिपार्टमेंट को डिजाइन डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी और डिजाइन डिपार्टमेंट को जो है वो HR डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की जो परमिशन की एक्सेस होती है बेसिकली जिस तरह हम लोग फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और किस बंदे को हम लोगों ने व्यूअर बनाना है, किस बंदे को मॉडरेटर बनाना है, किस बंदे को एडमिन बनाना है, तो ये हमारे हाथ में होता है। तो वो भी बेसिकली IAM के अंदर ही आ जाता है। और इसी तरह से हम लोग AWS के अंदर भी अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज को डिफरेंट लोगों को मैनेज कर सकते हैं, उनको डिफरेंट लेवल की एक्सेस दे के। और IAM को स्टडी करना ना सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के सारे काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। और IAM के अगर आप सर्विस यूज करते हैं तो AWS इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता, यानी कि IAM के अंदर आप जितने मर्जी यूजर क्रिएट कर लें उस पर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन वो यूजर जो सर्विसेज यूज करेंगे AWS के ऊपर उसके ऊपर Amazon जो है वो चार्ज करेगा। वो भी हमारा फ्री ट्रायल में ऑलमोस्ट ये हमारा पूरा कोर्स जो है वो इंशाल्लाह गुजर जाएगा। तो इसलिए पेमेंट की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास IAM के अंदर बेसिकली क्या होता है, यूजर्स ग्रुप्स रोल्स एंड पॉलिसीज। यूजर कोई भी एंड यूजर हो सकता है, कोई वो मशीन भी हो सकती है, कोई एक रियल यूजर भी हो सकता है। ग्रुप्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूजर जिसके अंदर हम लोग जो है वो सर्टन कोई भी परमिशन असाइन कर सकते हैं। रोल्स बेसिकली क्या होते हैं, सर्विसेज के दरमियान जो है वो काम करते हैं, यानी कि अगर आपने स्टोरेज की सर्विस को आपने सर्वर की सर्विस के साथ अटैच करना तो अटैच करने के लिए या उनकी कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम होगा वो क्या होगा, रोल होगा। बहुत सारे रोल जो है अमेज़न हमें क्रिएट करके दे भी देता है और बाद में अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्रिएट करना चाहे तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसीज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होती है जैसे फॉर्मेट में जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट परमिशन जो है वो असाइन करते हैं। सेम इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है व्हाट इज AWS रूट अकाउंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने AWS का रूट अकाउंट यूज करना है। जिस तरह से अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग AWS के ऊपर जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया है तो वो बेसिकली मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो वो बेसिकली क्या होगा, रूट अकाउंट होगा। यानी मुझे किसी भी चीज की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं दूसरे लोगों को एडमिन बना सकता हूँ और डिफरेंट लेवल की जो है वो एक्सेस दे सकता हूँ। जो AWS रूट अकाउंट होता है वो सिंगल साइन इन करता है। सिंगल साइन इन का मतलब ये होता है कि जस्ट मैंने जो ईमेल रजिस्टर की होगी वो ईमेल लिखूंगा, अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो ईमेल रजिस्टर की थी वो ईमेल लिखूंगा और जस्ट पासवर्ड लिखूंगा और साइन इन कर लूंगा। लेकिन अगर किसी बंदे को या किसी को यूजर क्रिएट करता हूँ मैं अपने AWS अकाउंट के अंदर, तो वो जो है वो सिंगल साइन इन नहीं करेगा। सबसे पहले वो रूट अकाउंट का नेम लिखेगा, उसके बाद अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के उसको जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल लैब के अंदर भी देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास अमेजोन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अमेजोन के जो फीचर्स हैं, वैसे तो मल्टीपल फीचर्स हैं लेकिन सबसे जो पहला फीचर है वो है शेयर्ड AWS एक्सेस। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी जिसके पास रूट अकाउंट होता है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लेवल की जो है वो परमिशन असाइन कर सकता है, ठीक है, और इवन उनका पासवर्ड भी सेट कर देता है और उनको और जब
कोई जो है वो अकाउंट क्रिएट करते हैं हम लोग, बेसिकली यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सेस की होती है बेसिकली, जिसके अंदर यूजर की सारी क्रेडेंशियल्स होती हैं। तो अगर हम वो क्रेडेंशियल किसी यूजर के साथ शेयर ना भी करें, तो उसके बावजूद जो है वो उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। ये भी हम प्रैक्टिकल, ये सारे स्टेप्स बेसिकली प्रैक्टिकल के अंदर वन बाय वन हम लोग परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो IAM का मेन फीचर है वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि हम लोग कोई डिवाइस या कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर जो है वो अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ईमेल और पासवर्ड, रूट अकाउंट का ईमेल पासवर्ड किसी को पता चल गया, तो मैं उसको सिक्योर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, प्ले स्टोर पे जाऊंगा और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे MF2 है या फिर आप ऑथ लिखें या गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप इंस्टॉल कर लें और उसको अपने अकाउंट के साथ सिंक कर लें। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अकाउंट को एक्सेस करेंगे, तो ईमेल और पासवर्ड के बाद थर्ड चीज आपने क्या करनी है, आपके मोबाइल के ऊपर जो आपने ऐप इंस्टॉल की होगी उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड आपने एंटर करना और देन आप साइन इन कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है जो कि हम लोग अपने अकाउंट के ऊपर लगा सकते हैं, और ना सिर्फ ये रूट यूजर को लगा सकता है बल्कि एक नॉर्मल यूजर भी अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो लगा सकता है। बस उसके पास इस चीज की परमिशन होनी चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटर उसको असाइन करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है आइडेंटिटी फेडरेशन। आइडेंटिटी फेडरेशन का मतलब ये है कि जिस तरह हम लोग नॉर्मली बहुत सारी वेबसाइट यूज करते हैं, और उनको यूज करने के लिए क्या होता है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, जैसे फ्री पिक जहाँ से हम लोग डिफरेंट टाइप के पिक्स और मॉकअप जो है वो डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो उस पर क्या होता है कि मैं अगर अपना अकाउंट नहीं प्रॉपरली रजिस्टर करना चाह रहा तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे एक ऑप्शन होती है कि आप गूगल या फेसबुक या गिटहब के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं, तो मैं वही अकाउंट यूज करते हुए लॉग इन कर लेता हूँ। सेम एज इट इज जो है वो आइडेंटिटी फेडरेशन में भी यही होता है कि अगर आपके पास आपके कॉर्पोरेट लेवल यानी आपकी कंपनी का अकाउंट है, तो आप उसको यूज करते हुए भी अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉरी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फॉर अश्योरेंस। अब किस किस यूजर ने, फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट के अंदर 1,000 यूजर है और मेरा बिल बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, और अमेजोन ने मुझे एक ईमेल भेज दी कि जी आपकी इतनी बिलिंग है जो आपने पे करना है महीने के एंड पे। तो लेट्स सपोज मैं ये चेक करना चाहूँ कि मैंने तो किसी यूजर को ऐसी एक्सेस नहीं दिया, और लेट्स सपोज अगर किसी को दी भी हुई है तो किस यूजर की वजह से इतना ज्यादा बिल जो है जनरेट हुआ। तो उसके लिए हमारे पास IAM के अंदर क्लाउड ट्रेल की ऑप्शन होती है, जिसके थ्रू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि किस यूजर ने किस टाइम पे बैठ के किस सर्विस को एक्सेस किया था, और किस पर्पज के लिए किया था, और कितने टाइम के लिए उसको एक्सेस किया था, यानी कंप्लीट मॉनिटरिंग हम लोग क्लाउड ट्रेल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फॉर अश्योरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रैनुलर परमिशन। ग्रैनुलर परमिशन का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिफरेंट यूजर को डिफरेंट लेवल की परमिशन दे सकता है, इवन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किसी भी बंदे को एडमिन भी बना सकता है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जो हम लोग एडमिन किसी बंदे को बनाएंगे वो हमें रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास रूट अकाउंट है, ठीक है। तो इस तरह ये परमिशन अमेजोन में भी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अमेजोन को कितने तरीकों से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला वे है हमारे पास AWS मैनेजमेंट कंसोल, यानी जिस तरह से भी डैशबोर्ड एक ओपन हुआ था जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था, जिसको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर, वो हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट कंसोल है। उसके बाद हम लोग कमांड लाइन टूल्स के थ्रू भी इस पे एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, और हम IAM के अंदर HTTPS API कॉल के थ्रू भी अमेजोन को अकाउंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैब्स के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम लोग अपने आने वाली वीडियोस के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि हम लोगों ने क्या करना है कि IAM कंसोल का इंट्रोडक्शन लेना है, यानी कि देखना है कि कंसोल के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर MFA कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो कैसे MFA कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि क्रिएट यूजर, हम लोग उसके अंदर यूजर क्रिएट करेंगे, उसको डिफरेंट परमिशन साइन करेंगे, फिर हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप के साथ पॉलिसीज यानी परमिशन अटैच करेंगे, और हम लोग जो है वो स्पेसिफिक परमिशन स्पेसिफिक यूजर को भी असाइन करके देखेंगे, और IAM पासवर्ड पॉलिसीज को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से IAM की पासवर्ड पॉलिसी हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, IAM रोल अटैच करेंगे डिफरेंट पॉलिसीज के साथ। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में देखेंगे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।